नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। 74 साल से तिब्बत पर कब्जा किए बैठा चीन अब तिब्बती नागरिकों से उनके 4 से 6 साल के बच्चों को छीनकर ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में डाल रहा है जहां उन्हें तिब्बत देश की संस्कृति, जीवन शैली और भाषा से भी दूर किया जा रहा। इन बच्चों को कई वर्ष जबरन माता पिता से दूर रखकर चीनी भाषा व हिंसक चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो सके। यह दावे तिब्बती के जाने माने विद्वान डॉक्टर ग्याल लो ने किए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बार फिर स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हुए कहा है कि भारत में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आने वाले 4 से 5 सालों में पर्याप्त वृद्धि होगी, वह स्टार्टअप की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। यूएई के बाद भारत आने वाले दिनों में इंडोनेशिया के साथ भी स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने का समझौता कर सकता है। इसके लिए रविवार को दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने आर्थिक व वित्तीय वार्ता यानी ईएफडी के शुरुआत की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और इंडोनेशिया के वित्त मंत्री सिरी मुलयानी इंद्रावती ने ईएफडी की शुरुआत की घोषणा की है। भारत व नेपाल को जोड़ने वाली जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन के एक खंड पर रविवार से ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान के अनुसार नेपाल के बुनियाद ढांचा व परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला ने अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन के कुर्था बिजलपुर रेलखंड ने ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा यह रेल लाइन दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी। इससे नेपाल में व्यापार पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा है कि विश्व बैंक को गरीबी की परिभाषा पर अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना चाहिए ताकि वह गरीबी से परे मुद्दों को देख सके। गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की तीसरी बैठक से पहले बंगा ने कहा कि वह गरीबी पर विश्व बैंक की संकीर्ण परिभाषा से चिंतित है। थाईलैंड में हुई 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के आखिरी दिन भारतीय एथलीट ने 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत 6 गोल्ड मेडल सहित 27 मेडल जीतकर टेबल टैली में तीसरे स्थान पर रहा। जम्मू पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए काम करने वालों पर जम्मू में बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने और आतंकवादियों को रसद मुहैया कराने, आतंकवादी विचारधारा का प्रचार करने, आतंकवाद जुटाने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 3 कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में उनके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की खबर पर रिएक्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बच्चन के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की खबरें आ रही थी। इन रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए एक्टर ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिषेक बच्चन ने यह भी कहा है कि उन्हें पॉलिटिक्स से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो ताउम्र सिर्फ एक्टर के तौर पर अपनी पहचान कायम रखना चाहते हैं। भारत में अलग अलग हिस्सों में आज 1.40 लाख किलोग्राम ड्रग्स को एक समय पर जला दिया गया। इन नशीले पदार्थों की कीमत 2381 करोड़ रुपए बताई गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स नष्ट करने के इस कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअली देखा। जानकारी के मुताबिक मादक पदार्थों को नष्ट करने का काम देश के कई शहरों में हुआ है। इसे नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने लाइव देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में दिसंबर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा। रक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे। देश के साथ ही रूस के वैज्ञानिक भी काम करेंगे। मिसाइल को ले जाने के लिए निर्माण इकाई तक रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा। बता दें कि राजनाथ सिंह रविवार को निराला नगर में नागरिक सेवा समिति के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही दवे का भी गृह राज्य गुजरात है। दवे का मानना है कि प्रधानमंत्री देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में दवे ने कहा है कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री देश को सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास देश को आगे ले जाने की जो शक्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने G20 की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की नेतृत्व क्षमता की अमेरिका भी तारीफ करता है और हम आगे भी सहयोग जारी रखेंगे। दुनिया आज देख रही है कि G20 वैश्विक चुनौतियों जैसे पर्यावरण, बदलाव, महामारी से निपटने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकासशील देशों की मदद कर रहा है। जेनेट येलेन ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक के दौरान हम कुछ अहम कदम उठा ही सकेंगे। बिहार में इन दिनों कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बावजूद पूरे राज्य में सूखे की आशंका जताई जा रही है। बारिश के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो प्रदेश में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां बारिश सामान्य या इससे अधिक रही हो। सभी जिलों में बारिश की मात्रा ऋणात्मक ही है। ऐसे वक्त में जब देश के कोने कोने में समान नागरिक संहिता यानी UCC पर चर्चा चल रही है, हाल ही में ये सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश कृष्ण मुरारी ने इस पर बात पर जोर दिया है कि एक रूपता किसी भी सूरत में फायदेमंद है।
मीडिया से बातचीत के दौरान न्यायाधीश मुरारी ने कहा कि एकरूपता हमेशा ही फायदेमंद होती है, लेकिन समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले जनता के साथ व्यापक स्तर पर सलाह मशविरा किया जाना चाहिए। कोविड के बाद लगाए गए लॉकडाउन खत्म करने के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून के बीच चीन की जीडीपी उम्मीद से कम 6.3% रही है, यानी मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था ने 6.3% के दर से विकास किया है, जो भारत के लिए अप्रैल से जून तिमाही के आरबीआई के अनुमान से बेहद कम है। आरबीआई ने 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% के दर से विकास करने की उम्मीद जाहिर की है, यानी आर्थिक विकास की रफ्तार के मामले में चीन पर भारत भारी साबित हो रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब वीवीपीएटी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गणना के दौरान ईवीएम में कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। दालों की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकार ने 2023-24 की प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी पीएसएस के तहत अरहर उड़द और मसूर दाल के लिए 40% की प्रोक्योरमेंट सीलिंग हटा दी है 40% की प्रोक्योरमेंट सीलिंग हटा दी है। इस फैसले के बाद दालों की सरकारी खरीद बिना किसी सीलिंग के किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर की जा सकती है। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद उसका मेडिकल खर्च उठाने के बदले में यौन संबंध बनाने को कहा था। उसके अनुसार सिंह ने उससे कहा था कि वह उनकी चोट के इलाज के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन उसके एवज में उन्होंने यौन संबंध बनाने की मांग की थी। कांग्रेस आलाकमान ने रविवार को साफ कर दिया है कि वह दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। कांग्रेस के इसी वादे के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बेंगलोर में होने वाले विपक्षी महाजुटान में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। भले ही कांग्रेस आलाकमान ने आपको समर्थन देने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पार्टी के नेताओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी दिखने लगी है। दिल्ली कांग्रेस ने आलाकमान के इस फैसले पर विरोध जताते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार आलाकमान से केजरीवाल को समर्थन न देने की अपील कर रहे हैं। ताजेवाला और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। आलम यह है कि यमुना के तटीय क्षेत्र में बसे गांवों में पानी घुस आया है। यमुना किनारे मार्ग की सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ के खतरे से आशंकित लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह 11 बजे यमुना का जलस्तर 497.3 पहुँच गया। यह फ्लड लेवल से 2.3 फीट अधिक है। वहीं 1978 के बाद पहली बार यमुना नदी का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुँच गया है। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में तीसरी बाधा पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज दोपहर 1:14 पर यह अपडेट दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर गुने 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो के अनुसार अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 या 3 बजे के बीच में होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक के लिए अवधि के लिए होता है। साल 2023 की पहली 6 मई में सरकार ने इसमें 4% का इजाफा किया था। इससे यह बढ़कर 42% हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के बाद राज्य सरकारें भी अपनी राज्यों में इस भत्ते को बढ़ाती है। अब दूसरी 6 मई के लिए सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करने वाली है। दिल्ली सरकार बना मेलजी के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह केस को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट उस समय तय करेगा कि इस दिल्ली अध्यादेश के मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। गोवा के दूधसागर वाटरफॉल पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों को रेलवे पुलिस ने रोक लिया। दूधसागर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन मानसून के बीच ट्रैकिंग से हादसों का खतरा रहता है। इसे देखते हुए गोवा रेलवे पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों पहले झरने पर एंट्री बैन कर दी थी। इसके बावजूद रविवार को सैकड़ों की संख्या में पर्यटक वाटरफॉल देखने पहुंचे। ये पर्यटक दूधसागर रेलवे स्टेशन पर उतर कर
पटरियों के किनारे ट्रैकिंग कर रहे थे। पुलिस ने इन पर्यटकों को वहीं रोक लिया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद पर्यटकों ने ट्रैक जाम कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे, यह खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में हुआ है। दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी हथियार सप्लायर हामिद ने पाकिस्तान से इन हथियारों की डिलीवरी करवाई थी। मूसेवाला के कत्ल में ऑस्ट्रिया के ग्लोक 30 जिगाना पिस्टल, जर्मन मेड हेकलर एंड कोच स्टार और AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। NIA ने बुलंदशहर से हवाला कारोबारी शहबाज अंसारी को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। शहबाज अंसारी से पूछताछ में पता चला है कि वह लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का करीबी है। अंसारी कई बार दुबई और कनाडा गया, जहां वह गोल्डी बराड के संपर्क में आया। सीमा हैदर के भारत पहुंचने का पूरा खाका खुफिया विभाग ने जुटा लिया है। उसका पूरा रूट मैप इंटेलिजेंस के पास है। नेपाल में सीमा जहां भी गई उस रूट के बारे में भी पता चल गया है। होटल मालिक और मैनेजर से भी जानकारी हासिल करने की कवायद जारी है। खुफिया विभाग अपने खुफिया सूत्रों के जरिए सीमा हैदर को लेकर तमाम इनपुट इकट्ठा कर रही है। जांच एजेंसी की एक टीम नेपाल से इनपुट इकट्ठा कराने की कोशिश कर रही है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट का बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, लोगों को जमानत और न्याय पाने से नहीं रोक सकते हैं। दिशा निर्देश बनाने से भी कोई असर नहीं हुआ। अदालतों में काम रुकना नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर विपक्षी एकता की बैठक 18 जुलाई को बेंगलोर में होगी। KC वेणुगोपाल ने बताया कि कुल 26 दल हिस्सा लेंगे। कल सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक का एजेंडा बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संसद से राहुल गांधी का बर्खास्त होना, महाराष्ट्र में जो हुआ, मणिपुर जल रहा है, ये सब मसले हैं। सीमा हैदर की जमानत याचिका पर नोएडा पुलिस कानूनी राय लेकर सूरजपुर कोर्ट में जमानत याचिका खारिज कराने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दखल के बाद नोएडा पुलिस सतर्क हुई है। बता दें कि सीमा हैदर जहां रह रही है वहां घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात है। रानी कमलापति से निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में सोमवार सुबह आग लग गई। आग कोच के नीचे लगे बैटरी बॉक्स में लगी थी। बिना रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन को रोका गया, सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम 58 मिनट में आग पर काबू पा सके। इस कारण 3.25 घंटे की देरी से ट्रेन रवाना हुई। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, प्रमोद कुमार सिंह, अंशुप्रिया, नौशाद अंसारी। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप आगे की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की सीख देने की पहल कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।